नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समर। आपके साथ हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, शिमला हाई कोर्ट ने चपरासी और चौकीदार की वैकेंसी निकाला है। इसको आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे आवेदन करने का है, आज हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में क्या लिखा है। इस स्लाइड में सबसे पहले लिखा है शैक्षिक योग्यता। दोस्तों, उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान से दसवीं की कक्षा पास होना चाहिए। अन्य शिक्षा योग्यता विवरण आधिकारिक अधिसूचना पर जाते हैं। अगर दोस्तों आपने मैट्रिक से ज़्यादा योग्यता प्राप्त की है तो आपको पहल दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों लिखा है एज लिमिट, आयु सीमा। उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों लिखा है आयु में छूट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग PWD PH उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार के नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है आगे की स्लाइड। उसके बाद दोस्तों लिखा है महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन जमा करने की तिथि 19 अक्टूबर 2019 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 है। दोस्तों, आप 23 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा है फीस का विवरण। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क विवरण के लिए नीचे दी गई अधिसूचना पर जाना चाहिए। दोस्तों, यह मैं आपको वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों लिखा है वेतन विवरण। दोस्तों, चपरासी अर्दली चौकीदार पद के लिए 18,500 से 28,500 महीना सैलरी रखी गई है। दोस्तों, 18,500 सैलरी जो लोग मैट्रिक पास है उनके लिए है और 28,500 सैलरी है जो लोग अपनी योग्यता के अनुसार जिन्होंने मैट्रिक से ज़्यादा योग्यता हासिल की है उनों को 28,500 सैलरी लग सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है देखिए, आवेदन कैसे करें। आवेदन करने की विधि ऑफलाइन के माध्यम से नौकरी करने का स्थान हिमाचल प्रदेश शिमला में है। शिमला हाई कोर्ट में जाकर आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने ऑनलाइन आवेदन करने का है तो योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट 19 अक्टूबर 2019 से या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये लिंक आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां से लेना है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन आवेदन कैसे करने का है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला गया है, आपने उस लिंक पर क्लिक करने का है और उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर देने का है। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नोटिफिकेशन लिंक भी डाला गया है, उस लिंक पर आपने क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेने का है।